नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुभाष कौड। उत्तराखंड में मतदान जरूर समाप्त हो गया है, लेकिन भाजपाइयों में अब रार शुरू हो गई है और ऐसा क्यों हुआ वो आपको समझाते हैं। विधानसभा में 14 फरवरी को जैसे ही मतदान संपन्न हुआ, उसके बाद लक्सर से विधायक संजय गुप्ता ने अपने ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर काफ़ी गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि मदन कौशिक ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होने के साथ ही मुझे हराने का काम किया है। हालांकि अभी नतीजे 10 मार्च को आना है, लेकिन उससे पहले ही भाजपा के विधायक ये मान चुके हैं कि उनको हराने की कोशिश की गई है और वो चुनाव हार रहे हैं। ऐसा क्या कुछ कहा संजय गुप्ता ने, ज़रा एक बार आपको वो सुना देते हैं। मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं फख्र करता हूँ अपनी पार्टी पर, संगठन पर, अपने नेतृत्व पर कि उन्होंने लक्सर सीट पर मुझे फिर से भरोसा जताया। मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ अपने नेतृत्व को। लेकिन जो उत्तराखंड में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, वो उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है और उनके जो नामित सभासद उनके द्वारा और उनके जो नज़दीकी कार्यकर्ता थे, उन्होंने बसपा प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है, मुझे हराने का काम किया है। मैं अपने नेतृत्व से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए निवेदन करना चाहता हूँ। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को इस ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे इस पार्टी से, वो गद्दार आदमी है, उसे पार्टी से निकाला जाना चाहिए, तब हमारे जैसे कार्यकर्ता सुरक्षित रह सकेंगे इस पार्टी में। मैं हाथ जोड़कर, सी झुकाकर अपने नेतृत्व से मांग करता हूँ कि उसे तत्काल पार्टी से निकाला जाए। बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना संजय गुप्ता ने कितने गंभीर आरोप अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पे लगाए। उन्होंने कहा कि उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, क्योंकि वो पार्टी के विरोधियों के साथ जुड़े हुए थे और उनको उन्होंने संजय गुप्ता को हराने की कोशिश की। यानी कि संजय गुप्ता चुनाव से पहले, यानी कि जिस दिन पता चलेगा कि कौन जीत कर विधानसभा पहुंचेगा और कौन हार का रास्ता देखेगा 10 मार्च, उससे पहले ही उन्होंने अपनी हार मान ली और उन्होंने ये भी गंभीर आरोप अपने प्रदेश अध्यक्ष पर लगा दिए कि उनको हराने के पीछे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का हाथ है। उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए और उन्हें अध्यक्ष पद से भी हटा देना चाहिए। लेकिन भाजपाइयों की रार यहीं समाप्त नहीं हुई। काशीपुर से विधायक हरबंस सिंह चीमा ने भी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर और पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। हरबंस सिंह चीमा इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनके बेटे त्रिलोक सिंह चीमा काशीपुर से भाजपा के प्रत्याशी हैं और उन्होंने चुनाव में उनको उतारा है। लेकिन उन्होंने भी अपने ही पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनको हराने की कोशिश की गई है, यानी कि उनके बेटे को हराने की कोशिश की गई है और पार्टी के लोगों ने उनका समर्थन नहीं किया, बल्कि पार्टी से हटकर दूसरे लोगों को सपोर्ट करते हुए नज़र आए। ज़रा सुनिए क्या कहा हरबंस सिंह चीमा ने। कुछ इस बार कुछ पार्टी के गद्दारों ने पार्टी का विरोध किया है। उन्होंने अपना पार्टी के प्रति जो उनका धर्म था वो नहीं निभाया, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा है, पार्टी के नाम को नुकसान पहुंचा है। और इससे मैं ये समझता हूं कि पार्टी को उनके नामों का उनका सब पता है, इसलिए पार्टी जो भी उचित निर्णय उनके प्रति लेगी वो पार्टी के ऊपर नहीं। जो आदमी गद्दारी करेगा उसके प्रति तो एक्शन होना ही चाहिए। अगर इस तरीके से पार्टी फिर एक्शन कोई नहीं करेगी
तो आगे ये परंपरा बढ़ जाएगी जो पार्टी हित में नहीं रहेगी। इसलिए जो गद्दार दिखाई दे रहे हैं, सामने पता लग रहा है कि उन्होंने पार्टी का ओपन होकर के विरोध किया है, तो उनको तो कुछ ना कुछ पार्टी को उनके प्रति सोचना ही पड़ेगा। तो आपने सुना किस तरीके से बगावत पार्टी में हो रही है, भाजपा में उनके ही पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी के पदाधिकारी और नेताओं पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वो भी तब जब रिजल्ट नहीं आया है, यानी कि रिजल्ट का वो इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आरोप पहले ही उन्होंने लगा दिया। लेकिन इसके साथ ही चंपावत से भी कैलाश, जो कि विधायक भी हैं और इस बार भाजपा के प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने भी काफ़ी गंभीर आरोप अपनी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों पर लगा दिए। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ चुनाव में ऐसी योजना बनाई गई कि ताकि वो चुनाव हार जाएं। यानी कि ये साफ है कि भाजपा के विधायकों को, भाजपा के प्रत्याशियों को हराने के लिए उनके ही लोग काम करते हुए नज़र आए। लेकिन जब इस बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, नहीं अभी वीडियो की कोई सत्यता नहीं है, बात करेंगे, अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ, इस बारे में जानकारी। लेकिन ये तो साफ है कि चुनाव से पहले, जी जी चुनाव यानी कि रिजल्ट से पहले, जिस तरीके से उनके ही पार्टी के तमाम पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से जो प्रत्याशी हैं वही गंभीर आरोप अपने प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी से जुड़े हुए नेताओं पर लगा रहे हैं, तो ये तो साफ है कि जो गुटबाजी आज तक भाजपा में दिखाई नहीं दे रही थी वो मतदान के बाद खुले मंच से नज़र आने लगी है। ऐसी ही और भी ज़रूर जानकारी आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।